दोस्तों आज मैच है ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के बीच और ये इस वर्ल्ड कप का 24th मैच होगा। देखिए अगर हम इस मैच को लेके बात करें तो मैं आपको एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं कि एक तरफा मैच होगा। यहां पे मुझे नहीं लगता कि इस मैच में कोई उलटफेर हो सकता है, तो ये एक तरफा मैच आपको देखने को मिलेगा। अब एक तरफे मैच में आप अपनी फैंटेसी की टीम कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये जो मैचेस होते हैं ना, यहां पे ग्रैंड लीग जीतने के बहुत चांसेस होते हैं। ग्रैंड लीग के लिए ये जैकपॉट मैच होते हैं। बस आपको थोड़ा सा मैच के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग टीम बनानी पड़ती है। अब आप इस मैच में कैसे टीम बनाएंगे, इस विषय पे हम आगे चर्चा करने वाले हैं। शुद्ध हिंदी में मैं आपको ये बोल रहा हूं, लेकिन आज का जो ये मैच है ना, इस मैच में मैं आपको एक ऐसा कॉन्टेस्ट बताऊंगा कि आप अगर हार भी गए तो भी आपको प्राइज मिलेगा, यानी कि हारने का चांस ही नहीं है। जीरो चांसेस, हारने का कोई चांस नहीं है, आपको प्राइज मिलेगा ही। ऐसा कॉन्टेस्ट आज आपको बताने वाला हूं और ये केवल हमारे यूजर्स के लिए होगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। और सारे लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं जाएगा। सारे लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं। नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करो, सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले वीडियोज आप देख सके। तो चलिए मैच के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, आपको जुड़ जाना चाहिए। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये टेलीग्राम चैनल है। यहां पे आपको फाइनल टीम मिलती है, टॉस के बाद अपडेट्स आती है, जो भी वो आपको सारी क्लियर कर दी जाती है। तो जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चेक करना है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक करोगे, वहां पे आपको ज्वाइन एस ऑन टेलीग्राम चैनल ऐसा लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे, आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, वेन्यू को लेके बात करते हैं, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। देखिए अरुण जेटली स्टेडियम आइडली आप पिच बोल सकते हैं कि बैटिंग पैराडाइज है, रन्स बनते हैं, बाउंड्रीज की डायमेंशन उतनी बड़ी है नहीं। तो अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करेगी, 350 का स्कोर बन सकता है, 350 से ऊपर भी जा सकता है। अगर नीदरलैंड पहले बैटिंग करेगी, 250-60 तक की मुझे लगता है स्कोरिंग होनी चाहिए, इफ नीदरलैंड बैट फर्स्ट। बाकी बढ़िया विकेट है, स्पिनर्स गेम में आ सकते हैं, क्योंकि 2-3 मैचेस यहां पे ऑलरेडी खेले जा चुके हैं, तो थोड़ी सी ड्राई नेचर आपको देखने को मिल सकती है। तो ड्राई नेचर आएगा तो स्पिनर्स है जो कि गेम में आ सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं जो मैं आपको बोल रहा था कॉन्टेस्ट की, जहां पे आपका लॉस ही नहीं होगा, और ये है बाजीगर कॉन्टेस्ट। नो लॉस फर्स्ट गेम, 100% मनी बैक, यानी कि अगर आप पहला कॉन्टेस्ट खेलेंगे तो आपको कोई भी लॉस नहीं होगा। आप कोई भी कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं, बस आपको डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से डाउनलोड करना है, क्योंकि आप उस लिंक से डाउनलोड करोगे तभी आपको ये कॉन्टेस्ट शो होगा, जहां पे आपका पैसा नहीं लगेगा, यानी कि आप हारोगे तो भी आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। नो लॉस कॉन्टेस्ट है, बाजीगर कॉन्टेस्ट के नाम से ये कॉन्टेस्ट आपको मिलेगा माई इलेवन सर्कल पे, केवल हमारे यूजर्स के लिए है। इसलिए आपको डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। सारे के सारे लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लो। क्यों? क्योंकि आपको इसके साथ साथ बड़े बड़े प्राइज अगर यार हाथ लग गए तो देखो, बड़ी बड़ी गाड़ियां, करोड़ का प्राइज, फॉरेन ट्रिप्स है, तो ये बड़े बड़े प्राइज आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, उस लिंक से डाउनलोड करोगे और आप फर्स्ट डिपॉजिट करोगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा। लाइक अगर आप 10,000 डिपॉजिट करोगे आपको 12,000 मिलेंगे, 20 करोगे 24, 30 करोगे 36, तो ये भी आपके लिए बेनिफिट है। तो डाउनलोड कीजिए माई इलेवन सर्कल को डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे टोटल 28 मैचेस खेले जा चुके हैं, जहां पे आप देखोगे 14 है बैटिंग फर्स्ट ने, बैटिंग सेकंड वन 14 मैचेस, यहां पे टाई शून्य रहा है। स्कोरिंग पैटर्न देखोगे तो 7 से नीचे है, जो कि 200 से नीचे 7 टाइम्स है, 200 249, 8 टाइम्स बिटवीन 249 to 299, 10 टाइम्स और अबाउ 300 3 टाइम्स बना है। बैटर प्लस पेसर्स 245 का यहां का एवरेज स्कोर रहता है।
आगे बढ़ते हैं, रिसेंट मैचेस की बात करते हैं। लास्ट मैच में अफगानिस्तान ने 284 कर दिए थे, लेकिन इंग्लैंड की टीम इस टारगेट को चेज नहीं कर पाई। ये भाई बहुत बड़ा मैच हुआ था। यहां पे आप देखोगे पेसर्स को 5, स्पिनर्स को 13 विकेट मिला। यहां अफगानिस्तान ने 272 किए थे, लेकिन यहां पे इंडिया ने चेज कर दिया, पेसर्स को 7, स्पिनर्स को यहां पे 3 विकेट मिला। यहां पे साउथ अफ्रीका ने 428 किए थे, श्रीलंका चेज नहीं कर पाया था, पेसर्स को 9, स्पिनर्स को 6। यानी कि ये जो मैच हुआ था साउथ अफ्रीका वाला, ये बहुत बड़ा मैच हुआ था, बहुत सारे रन्स यहां पे बने थे, ये ओवरऑल ठीक ठाक हुआ था, चेज हो गया। ये जो मैच हुआ था ये इंग्लैंड से चेज नहीं हुआ था, हालांकि ये चेज होना चाहिए था, इतना बड़ा स्कोर नहीं था दिल्ली जैसी विकेट पे। यहां आप देखोगे टोटल 20 विकेट गई इस मैच में, यहां देखोगे टोटल 10 विकेट गई इस मैच में, यहां देखोगे 15, यानी कि ओवरऑल एवरेज है वो 14 से 15 विकेट का यहां पे निकल रहा है। तो आप ऑलराउंडर्स के साथ जा सकते हो, बॉलर्स के साथ जा सकते हो। यहां पे विकेट्स 43, टोटल 43 में से 21 फास्टर्स को, 22 विकेट्स है जो कि स्पिनर्स को मिले हैं। समझ गए इस चीज को। बाकी हेड टू हेड की बात करते हैं, देखिए दो मैच खेले गए हैं, दोनों के दोनों ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, और जीत भी कैसी, 229 रन की यहां जीत हुई, और यहां देखोगे ऑस्ट्रेलिया वन बाय 75 रन। ठीक है, ये 36 ही ओवर का मैच हुआ था, तो बड़े मैचेस थे। कोई भी यहां पे ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है जब ये मैच हुए थे, बिकॉज ये 2007 का मैच है। यार नीदरलैंड्स का भी कोई प्लेयर अवेलेबल नहीं है दोनों ही मैचेस में। आपको बता दूं नीदरलैंड्स के कोई भी प्लेयर या फिर ऑस्ट्रेलिया के कोई भी प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। ये 2000 यानी कि 2003 में ये मैच हुआ था, ये 2007 में मैच हुआ था, उस टाइम के प्लेयर आज एक भी नहीं खेल रहा है। देखिए पावर प्ले की बात करते हैं, तो पावर प्ले में विकेट जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम पहले बैटिंग करे, चेजिंग करे, तो शायद आपको विकेट देखने को ना मिले। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में डेविड वार्नर बहुत अच्छा कर रहे हैं, लास्ट मैच में आप देखोगे 150 प्लस करके आ रहे हैं। मिचेल मार्श ने लास्ट मैच में 121 के एक हाफ सेंचुरी, स्टेवन स्मिथ का थोड़ा सा बल्ला ऑफ रहा है, लबुशेन का भी बल्ला एवरेज चला है, ज्यादा बड़े स्कोर नहीं है, ग्लेन मैक्सवेल का बल्ला नहीं चला, जोस इंग्लिश ठीक ठाक कर रहे हैं, मार्कस स्टोइनिस का उतना खास नहीं दिखा, पैट कमिंस का ठीक ठाक दिखा है, लास्ट के 2-3 मैचेस में विकेट निकाली है। मिचेल स्टार्क अच्छा कर रहे हैं, हेजलवुड देखोगे तो उतना खास नहीं दिखे, एडम जेम्पा बहुत बढ़िया कर रहे हैं, यहां 4 विकेट, यहां 4 विकेट, ये प्लेइंग 11 आपको दिख सकती है। यहां पे आप देखोगे तो ये बेंच पे रहेंगे, हालांकि ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत सारे रन्स करने की कोशिश करेगी, बड़े मार्जिन से जीतने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए कि नीदरलैंड्स को बड़े मार्जिन से हराए रन रेट में ऊपर आने के लिए। क्यों? क्योंकि वो फंस सकते हैं पाकिस्तान के साथ, इंग्लैंड के साथ क्वालिफिकेशन में। डेविड वार्नर हेड टू हेड नहीं, वेन्यू नहीं, ओवरऑल 154 में 46, यानी कि इनके आपको ये स्टैट्स नहीं दिखेंगे। मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, ये ओवरऑल इनके ओडीआई स्टेटस सबके यहां पे एवरेजेस, केवल जोस इंग्लिश को निकाल दो तो यहां पे 20 का एवरेज है, बाकी सबके एवरेज है वो 40 के अराउंड के है। समझ गए, यहां पे स्टैट्स तो है नहीं इनके, केवल ग्लेन मैक्सवेल एक मैच खेले हैं और एक रन किया, 0 विकेट निकाली थी इस वेन्यू पे, बाकी इनके कोई स्टैट्स नहीं है, ना वेन्यू पे है, ना ही आप देखोगे तो हेड टू हेड ये मैचेस खेले हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए डेविड वार्नर आप लेंगे, आप मिचेल मार्श लेंगे, आप स्टेवन स्मिथ लेंगे, आप ये 3 प्लेयर तब लेंगे जब ऑस्ट्रेलिया इस मैच को चेज करेगी, आप नीचे नहीं जाएंगे, आप केवल 3 को लेंगे। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियन टीम पहले बैटिंग करेगी, आप यहां तक आएंगे, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, स्टेवन स्मिथ, लबुशेन, मैक्सवेल, ग्रैंड लीग की एक टीम ऐसी बना सकते हो जहां पे आप डेविड वार्नर को ड्रॉप कर सकते हो, या मिचेल मार्श को भी कर सकते हो। एक टीम जब आप चेजिंग, अगर ऑस्ट्रेलियन टीम चेज कर रही हो, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, आप मिचेल मार्श को कैप्टन और डेविड वार्नर को वाइस कैप्टनसी दे सकते हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर नीदरलैंड 200 रन बनाए तो ये दोनों के दोनों चेज कर जाए। समझ गए इस चीज को, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ग्लेन मैक्सवेल का देखोगे, मार्कस स्टोइनिस, इनके भी हेड टू हेड में कोई स्टैट्स नहीं है। वेन्यू पे देखोगे एक मैच में 2 विकेट 20 रन है, पैट कमिंस के एक मैच में है जो कि 2 विकेट है 15 का इनका एवरेज रहता है। यहां पे आप देखोगे, मुझे लगता है आपको सबके साथ जाना चाहिए, मार्कस स्टोइनिस को यहां पे छोड़ सकते हो, केवल मार्कस
स्टोइनिस को ओनली आप ड्रॉप कर सकते हो, अदरवाइज आप इन सब के साथ जाओगे, चाहे पहले बैटिंग करे चाहे पहले बॉलिंग करे। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड और एडम जेम्पा। एडम जेम्पा एक बढ़िया डिफरेंशियल कैप्टन बन सकते हैं, ये इनके सारे स्टैट्स है। मार्कस स्टोइनिस टोटल 66 मैच में 46 विकेट, 27 का एवरेज। पैट कमिंस 81 मैच में 131 विकेट। मिचेल स्टार्क 115 मैच में 226 विकेट। उसके अलावा जोस हेजलवुड 78 में 121 विकेट। एडम जेम्पा 89 में 151 विकेट। तो समझ गए इस चीज को, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये बैंस के प्लेयर है, नीदरलैंड्स के प्लेयर ही ले। देखिए विक्रमजीत सिंह का बल्ला बिल्कुल नहीं चला, ये हाफ सेंचुरी के बाद बल्ला चला ही नहीं। मैक्सो डाउड एकदम फ्लोप रहे हैं। कोलिन अक्करमैन है जो कि ठीक ठाक कर रहे हैं। बस डी लीडे एवरेज दिखे। तेजा निदामानरू यहां पे देखोगे बल्ला नहीं चला। स्कॉट एडवर्ड्स ने एवरेज किया है। साइब्रांड एग्लिक ब्राचाटा जो भी है ये इसने ठीक किया है। रॉयल ऑफ वेंडर मार्वे, ये बंदा देखे, इस बंदे को मैंने लिया इसका ये परफॉर्मेंस था, इसको मैंने नहीं लिया ये परफॉर्मेंस था, इसको मैंने नहीं लिया ये परफॉर्मेंस था, इसको मैंने लास्ट मैच में लिया अगेन इसका ये परफॉर्मेंस था। ये बंदा जब भी मैं लेता हूं इसने कभी परफॉर्म नहीं किया, जब भी ये किसी T20 लीग में खेलता है किसी T10 लीग में खेलता है हमेशा मैंने इसको आजमाया, नहीं लेता ये विकेट लेके जाता है, लेता हूं ये कभी विकेट नहीं लेता। तो ये चीज है। लोगन वनविक बहुत अच्छा कर रहे हैं, आयान दत्त बढ़िया कर रहे हैं, पॉल मिक्रेन है, ये भी लगभग विकेट्स है जो कि निकाल रहे हैं, ये इनकी टीम रहेगी बैन से। अब देखिए मुझे लगता है मैक्सो डाउड क्यों ड्रॉप नहीं हो रहे, विक्रमजीत इनमें से ड्रॉप होना चाहिए और बैरासी यहां पे आ सकता है। सकीब जुल्फिकर ये भी आपके लिए बैटिंग कर लेते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, सामने वाली टीम में राइट हैंड बैट्समैन भी ज्यादा है। विक्रमजीत सिंह हेड टू हेड नहीं, वेन्यू नहीं, देखिए स्टैट्स नहीं है। अब मैं विक्रमजीत सिंह की ओडीआईज में 30 का एवरेज है, मैक्सो डाउड का ओडीआईज में 35 का एवरेज है, कोलिन अक्करमैन का 34 का एवरेज है प्लस 8 विकेट भी है। बस डी लीडे के देखोगे 26 का एवरेज है 31 विकेट है। तेजन वांद्रू का 27 का एवरेज है, 41 का एवरेज स्कॉट एडवर्ड्स का है। अब देखिए स्कॉट एडवर्ड्स आपको है वो जोस इंग्लिश मिलेंगे विकेट कीपिंग में, तो वहां पे मुझे लगता है कि आप स्कॉट एडवर्ड्स के साथ जा सकते हो, समझ गए विकेट कीपिंग से। उसके अलावा आपको बस डी लीडे को लेना है, यहां से ये सारे लोग आप ड्रॉप कर सकते हैं स्पेशली स्मॉल लीग में। ग्रैंड लीग में एक टीम में आप ट्राई कर सकते हो, किसको, विक्रमजीत सिंह को आप ट्राई कर सकते हो एक आधा टीम में, किसको, विक्रमजीत सिंह को। बाकी आप देखोगे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा साइब्रांड को, हेड टू हेड नहीं, वेन्यू नहीं, ओवरऑल 3 में 39 का एवरेज। मार्वे हेड टू हेड नहीं, वेन्यू नहीं, ओवरऑल 20 में 23 विकेट। अगर पॉसिबल हो तो आप मार्वे को रख लेना। लोगन वनविक हेड टू हेड नहीं, वेन्यू नहीं, ओवरऑल 28 में 38 विकेट है, मैं लेके जाऊंगा। आयानदत हेड टू हेड नहीं, वेन्यू नहीं, ओवरऑल 29 में 26। अब देखिए सामने वाली टीम में राइट हैंड बैट्समैन थोड़े से ज्यादा है तो शायद मैं आयानदत को छोड़ दूं। पॉल मिक्रेन हेड टू हेड नहीं, वेन्यू नहीं, ओवरऑल 17 में 21 विकेट है जो कि इनके रहते हैं। यहां पे मुझे लगता है केवल आपके लिए दो ऑप्शन है जिसको मैं बोलूंगा आपको लेना चाहिए, छोड़ना चाहो तो फिर आप मार्वे को छोड़ सकते हो। ये बैंच के प्लेयर है, इनमें से कोई भी आता है बाकी आप देखोगे तो आपको प्लेयर्स मेडल मिलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहां पे कोई खेला ही नहीं है एक दूसरे के अगेंस्ट। टीम पे चलते हैं, मैंने स्कॉट एडवर्ड्स को एज ए विकेट कीपर रखा, समझ गए इस चीज को। डेविड वार्नर एज ए वाइस कैप्टन, स्टीवन स्मिथ, बस डी लीडे कैप्टन एज ए मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, एडम जेम्पा, मिचेल स्टार्क, लॉगन वनविक, पैट कमिंस, हेजलवुड। अगर ग्लेन मैक्सवेल ना खेले तो आप इसकी जगह पे है जो कि एक प्लेयर किसके साथ जा सकते हो, मार्वे के साथ जा सकते हो। और अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे तो आप क्या करना, आप उस टाइम क्या करना, मैक्सवेल खेले तो लेना ही है लेकिन उसमें आप एक प्लेयर और ऐड करोगे, वो है लबुशेन, समझ गए, वो प्लेयर है लबुशेन। तो ये चीज ध्यान में रखना, ये हमारी टीम रहेगी। कॉन्टेस्ट ज्वाइन कीजिए, माय 11 सर्कल वाला कॉन्टेस्ट जरूर ज्वाइन कीजिएगा जो कि एकदम आपके लिए विनिंग अमाउंट वाला है, आपको पैसा मिलेगा ही, आप हारोगे भी नहीं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है माय 11 सर्कल का, वहां से डाउनलोड करना तभी आप वो कॉन्टेस्ट फाइंड आउट कर पाओगे, अदरवाइज आपको मिलेगा नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।